दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेक रोटर या डिस्क के बारे में। दोस्तों ये जो रोटर या डिस्क है यह दरअसल तीन टाइप के दिखे जाते हैं। पहला नंबर पर है वेंटेड रोटर, दूसरा नंबर पर है ड्रिल्ड रोटर और तीसरा नंबर पर है स्लॉटेड रोटर। चलिए हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। अलग अलग टाइप का रोटर या डिस्क में क्या प्रोस एंड कॉन्स है उसके बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं वेंटेड रोटर या डिस्क के बारे में। इस तरह के रोटर इन जनरल कार के फ्रंट व्हील्स में बहुत ही कॉमन है जो यूज़ किया जाते हैं। इस टाइप के रोटर में मेन एडवांटेज है बेटर कूलिंग। असल में यहाँ है दो प्लेट्स जिसके बीच में है एयर गैप जिसमें से एयर पास होता है रनिंग कंडीशन में और रोटर का हीट को एलिमिनेट करता है, वो हीट जो ब्रेक पैड और ब्रेक रोटर या डिस्क के फ्रिक्शंस के वजह से क्रिएट होता है जब हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं। दोस्तों लेफ्ट साइड का जो रोटर है वो स्पेसिफिकली कार के लेफ्ट में ही लगेगा और राइट साइड का जो रोटर है वो स्पेसिफिकली राइट साइड में ही लगेगा। इसमें भी एक कहानी है। इससे पहले जान लेते हैं कि क्या होगा अगर मैं राइट साइड का रोटर जो है वो लेफ्ट साइड में लगा दिया और या फिर लेफ्ट साइड का जो रोटर है वो राइट में लगा दिया। तो दोस्तों इसके वजह से रोटर बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज्ड हो जाएगा। वेंटेड रोटर के दो प्लेट्स के बीच में जो फिन्स के तरह जो होता है वो स्ट्रेट नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है या फिर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में थोड़ा कर्व्ड होता है। ये इस तरह से दिए जाते हैं ताकि जब कार आगे जाते हैं रोटर फॉरवर्ड के तरफ रोटेट होता है तब एयर बेहतरीन तरीके से रोटर के अंदर जाए, घुस सके और रोटर को ठंडा कर सके, इसलिए वो दिया जाते हैं। राइट साइड का रोटर लेफ्ट में या फिर लेफ्ट साइड का रोटर राइट में लगाया दिया जाए तो इन फिन्स का जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में रोटर ठीक से एफिशिएंटली ठंडा नहीं हो पाता है क्योंकि एयर ठीक से अंदर घुस नहीं पाता है वो फिन्स के डायरेक्शन उल्टा होने के कारण, तो तब ये ठीक से ठंडा नहीं हो पाता है, यही है कारण। चलिए आप जानते हैं ड्रिल्ड रोटर के बारे में। इस टाइप के रोटर के जगह जगह में होल्स ड्रिल किया हुआ है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। इन होल्स में से एयर पास होता है। पहले का दौर में ड्रिल्ड रोटर बहुत ही यूज़फुल था क्योंकि आगे का ज़माने का जो ब्रेक पैड मटेरियल जो था वो उतना बेहतर नहीं था। वो ब्रेक पैड मटेरियल गैस फॉर्म क्रिएट करता था। वो गैस ब्रेक पैड और रोटर के बीच एक एयर गैप क्रिएट करता था जो एफिशिएंट ब्रेकिंग के लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए उस वक्त ड्रिल रोटर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था क्योंकि वो गैस रोटर के ड्रिल्ड होल में से निकल जाता था। लेकिन अभी ब्रेक पैड मटेरियल बहुत ही इम्प्रूव्ड हो गया है और अब कोई गैस फॉर्म क्रिएट नहीं करता है। अब इसका कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। ड्रिल्ड रोटर में बहुत सारे होल्स है। आप सोचेंगे कि ये सारे होल्स कूलिंग के लिए अच्छा है लेकिन बात यह है कि यही सारे होल्स के वजह से ब्रेकिंग के लिए ब्रेक पैड और रोटर के बीच का जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो कम हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ब्रेकिंग एफिशिएंसी घट जाते हैं और एक बात है कि हीट रिजेक्शन के लिए मास भी कम हो जाते हैं और ये जो होल्स है ये स्ट्रेस पॉइंट भी हो सकता है जो अल्टीमेटली इस तरह के रोटर का क्रैक होने के कारण भी हो सकता है। सपोज आप बहुत ही ज़ोर से कार को ले जा रहे हो और सडनली कस के ब्रेक करते हो तो रोटर बहुत ही ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, लेकिन होल्स वाले एरिया में जो होल्स वाले जो एरिया है वो कूल रहता है तो रोटर में ये जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस क्रिएट होता हो रहा है तब वो
होल्स स्ट्रेस पॉइंट बन जाते हैं और रोटर क्रैक होने का संभावना भी बढ़ जाते हैं। ये तो था ड्रिल्ड रोटर के सारे डिसएडवांटेजेस के बाद, लेकिन फरारी, एएमजी इस तरह के कुछ स्ट्रीट रेसिंग हाई एंड कार्स में ड्रिल रोटर क्यों दिखे जाते हैं? दोस्तों, ये सिर्फ दिखे जाते हैं सिर्फ इसका ऑसम लुक के वजह से। हालांकि ये बात अलग है कि फरारी, एएमजी इस तरह के हाई एंड कार्स में ये जो हालांकि ये ड्रिल रोटर है, लेकिन फिर भी इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा कर दिया गया क्योंकि इसका थिकनेस बढ़ा दिया गया और इसका जो मटेरियल है वो मटेरियल बहुत ही इम्प्रूव्ड तरीके का मटेरियल है। नहीं तो इस टाइप का ड्रिल रोटर आज के ज़माने में इतना नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये इतना यूज़फुल भी नहीं है, क्योंकि ब्रेक पैड मटेरियल आज के ज़माने में बहुत ही इम्प्रूव्ड हो गया है और इस ये ब्रेक पैड मटेरियल अब गैस फॉर्म नहीं क्रिएट करता है। चलिए आप जानते हैं स्लॉटेड रोटर्स के बारे में। इस टाइप का रोटर ज़्यादा हद तक ड्रिल रोटर के तरह ही काम करता है। दोस्तों, ब्रेक पैड और रोटर के फ्रिक्शन के वजह से या फिर घिसने के वजह से डिवरीज यानी कि डस्ट जैसा जो रिमेनिंग्स होता है उसे क्लीन करता है इस तरह के स्लॉटेड रोटर बेहतरीन तरीके से, और इस तरह के रोटर गैस को भी इवैक्यूएट करता है ड्रिल रोटर के जैसा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आपका ब्रेक पैड मटेरियल बहुत ही इम्प्रूव हो गया है तो अभी का जो ब्रेक पैड्स है गैस फॉर्म नहीं करता है। स्लॉटेड रोटर का ये जो स्लॉट्स है ये डिवरीज या जो डस्ट है उसे तो क्लीन करता ही है जो एक्चुअली फ्रिक्शन के वजह से क्रिएट होता है, लेकिन इस तरह के स्लॉटेड रोटर ब्रेक पैड को थोड़ा ज़्यादा घिसता है, वेयर आउट कर देता है। तो दोस्तों, एंड में बात ये है कि इन तीनों रोटर में से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वेंटेड रोटर्स ही ज़्यादा दिखे जाते हैं। पर हाँ, कई कंपनीज कॉम्बिनेशंस भी यूज़ करता है, जैसे कि वेंटेड रोटर्स है वही रोटर में साथ ही साथ आपको स्लॉट्स भी दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, आप सब लोग सुस्त रहिए। धन्यवाद।